नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, अभी आपको पता है भाई, बार बार गोल्ड गोल्ड से रिलेटेड हम बात करते रहते हैं और जितनी भी न्यूज आती है हम आपके पास कोशिश करते हैं पहुंचाने की, ताकि वो न्यूज देख के आपके भी माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा कोई कीड़ा जग जाए कि चलो यार लेके चलते हैं, सो गोल्ड इतना फायदा हो जाएगा, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन आपको पता है भाई, इंडिया का जो कस्टम विभाग है ना, आजकल जो स्कैनर कैमरे लगे बड़े स्टिक हैं और उनकी पेनी नजरें हमेशा आप लोगों के ऊपर टिकी होती हैं, खास तौर से दुबई आने वालों की बात करूं तो। जी हाँ, गोल्ड तस्करी सबसे ज्यादा दुबई से होती है, बाकी अभी तक कुवैत से, सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन से आज तक मेरे सामने मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया इससे रिलेटेड कि भाई वहां से गोल्ड लेके लोग आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दुबई का मामला चल रहा है, तो डिटेल से बात करेंगे। 6.5 करोड़ का गोल्ड पकड़ा गया, उसकी कलाकारी देख के वहां के जो कस्टम अधिकारी वो भी चकित रह गए कि यार ऐसा भी लोग सोच सकते हैं, इस तरह से भी गोल्ड को लेके आ सकते हैं। जी हाँ, लेकिन बचने वाले कहां से थे भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज, यूएस से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पे बात है, शारजा फ्लाइट से चेन्नई एयरपोर्ट पे 54 वर्षीय यात्री जहीर हुसैन जी एयरपोर्ट पर उतरे काफी जल्दी में थे। हमेशा एक बात को याद रखना, जो लोग इलीगल एक्टिविटी में रहते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरे पे अलग ही कुछ भयभीत सा लगता है उनको, तो उनकी वो को काफी जल्दी में थे। उनको लग रहा था बस करोड़ों का माल है, जल्दी से एयरपोर्ट क्रॉस कर ले, निकल जाएं, पार हो जाएं, फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी जो जल्दबाजी को देख के जो इमिग्रेशन जो कस्टम अधिकारी है, उनकी नजरें तो ट्रेनिंग में उनको इस तरह से मिली होती है कि चेहरा देख के पहचान लेते हैं, उनको साइड में कर लेते हैं। जी हाँ, तो उनको उन्होंने पकड़ लिया। शक के आधार पे उनके सामान की तलाशी ली गई। बता दूं साथियों, तो लगभग 6 करोड़ का गोल्ड उनके अलग अलग सामान में निकला। जी हाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस पूछताछ में जुट चुकी है। गोल्ड को देखिए किस तरह से लाया, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान उनको अंदर से निकाला, उनके अंदर गोल्ड फिट किया। ड्रिल मशीन होती है, आपको पता है घरेलू ड्रिल मशीन होती है, अंदर से एकदम भारी होती है वो, अगर कोई देखे भी तो लगता है यार भारी मशीन है, उसमें 2-3 किलो वजन होता है। उसको अंदर से उनके पुर्जे निकाल के उसके अंदर गोल्ड को फिट कर लिया, फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, उनमें से गोल्ड को निकाला गया। वैल्यू उसकी आंकी गई तो बता दूं 6 करोड़ से ऊपर की वैल्यू उनकी निकल के आई है। जी हाँ, ये कोई पहला मामला तो नहीं है साथियों, आए दिन कहीं ना कहीं पूरी इंडिया में कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे ऐसे मामले होते रहते हैं। इससे पिछले भी बता दूं, ज्यादातर स्टेट में, ज्यादा चेन्नई में ज्यादा गोल्ड तस्करी होती है, दुबई से चेन्नई के लिए ज्यादा सबसे ज्यादा होती है। पिछले दिनों कोचिकोड़े पर भी एयरपोर्ट पे 2 बंदों को पकड़ा गया था, के पास से आभूषण जब्त कर लिए गए थे। ऐसा सिस्टम चल रहा है, कभी दुबई, कभी बॉम्बे में पकड़ा जाता है, कभी राजस्थान जयपुर में, कभी दिल्ली में, कभी चंडीगढ़ में, बिहार में वगैरह, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं। एक वीडियो पहले मैंने डाला था, चप्पलों में 4 बिस्किट लेके आ रहा था 12 लाख का सोना, इस तरह से लोग पकड़े जाते हैं। तो भाई इन चीजों से बचे, एयरपोर्ट पे टैक्स दे के आओगे तो भी इंडिया वाले गोल्ड से अच्छा गोल्ड मिल जाएगा आपको, और उनसे थोड़ा टैक्स दे के भी कुछ बच जाएगा आपको। तो प्लीज आप ऐसी गलती न करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।